सी लोग हमसे फंटास्टिक बड़ी बड़ी और वीडियोस है बताना जिससे वो क्रेजी व्लॉग एंड यू पी ऑल स्टार्ट। सो देखो आज तक YouTube पे तुमने देखा होगा हर आदमी बड़ा बड़ा यूट्यूबर क्रिएटर जो भी होता है वो कंटेंट बनाता है कि एग्जाम के टाइम क्या होता है, 10th क्लास का बच्चा कैसा होता है, एग्जाम के टाइम बैक बेंचर्स कैसे होते हैं, ये सब वो नकली वाला मतलब कि वो शॉर्ट टाइप का बनाते दिखाते हैं। मैं तुमको हकीकत बताता हूँ, मैं एक बैक बेंचर समझो मैं हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, टीचर जो भी पढ़ाता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ना मेरे कोई दोस्त हैं, मैं पीछे बैठता हूँ। पहले इस बार तो मैं बीच में बैठता हूँ, 9th क्लास में मैं बहुत एकदम सबसे पीछे बैठता था एंड मेरे को पढ़ाई लिखाई से उतना कोई वास्ता है नहीं, इसलिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तुम समझ सकते हो क्यों। तुमको हकीकत दिखाता हूँ, जनवरी है आज, 10 जनवरी है एंड मैं तुमको बताता हूँ क्या सीन है। दिसंबर तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे साथ क्या सीन होता है मैं तुमको ये एकदम डेफिनेटली बताता हूँ। दिसंबर तक नहीं होता है पढ़ाई, नहीं हो, प्री बोर्ड हो गया मेरे से नहीं हो गया, जनवरी से पक्का स्टार्ट करेंगे। ऐसा होता है हैप्पी न्यू ईयर आया आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पढ़ोगे अगले दिन नहीं पढ़ोगे, फिर होगा कि नहीं आज से पढ़ते हैं एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ऐसे ही कर करके 10 दिन आ गया है। और मैं तुमको आज तरीका भी आज बता देता हूँ कैसे पढ़ाई करना चाहिए कैसे नहीं, क्योंकि जब तुम कुछ चीज़ देखो हमेशा सुझाव उससे लिया करो जो उस फील्ड में फेल हुआ हो, तो उसको अच्छा है, जो जीता है उसको नहीं पता रहेगा अच्छे से क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जो उसको भी पता रहेगा बट जो फेल किया है ना उससे पूछो क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं इस चीज़ को फेल कर चुका हूँ, फेस भी किया हूँ, तो मैंने कहा भाई जब देखो ये कुछ ऐसा रूम मेरा जो कि पूरा मेसी है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत इतना मिस्टेक किया अपने लाइफ में खास करके बोर्ड एग्जाम में इतना मिस्टेक किया हूँ कि तुमको नहीं पता क्या सीन होगा क्या नहीं। भाई देखो ये मेरा ये सबसे पहले मैंने क्या किया, PYQ आता है मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो मैंने उसको बनाया एक चैप्टर का, एक है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मेरे को नहीं आता है क्योंकि देखो यार नोट्स कुछ और रहता है एंड आता कुछ और ही है, पता नहीं कैसा कैसा रिएक्शन आता है। फिजिक्स मेरे को नहीं आता, मैं चारों बार फेल किया हूँ केमिस्ट्री में भी, मैं चारों बार फेल किया। बायोलॉजी मैं 9th क्लास पढ़ा नहीं, लड़की के एक लड़की के चक्कर में मैं पढ़ गया था, तो मैं पढ़ा ही नहीं था, बट मैं कभी नहीं किताब खोलने का दिल मेरे को नहीं करता था। 10th क्लास में भी मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ व्लॉगिंग किया हूँ, सिर्फ व्लॉगिंग, कंटिन्यू व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग। सो देखो ये कुछ ऐसा सीन है, तुमको मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। एसिड वेसल रिजल्ट सॉल्ट, ये PYQs है, देखो ये 2017 का, ये 2016 का, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी हमें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये टोटल 42 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक CBSE का, अगर तुमको यकीन नहीं हो तो जाके देख लो। उसके बाद मैंने नोट्स भी निकाला, ये मेरा नोट्स केमिस्ट्री का, समझो देखो एसिड बेसन सॉल्ट अगर मैं खोलूं, एसिड बेसन सॉल्ट ये नोट्स है, इसमें से कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में जो आएगा इससे आएगा, ये जो मेरा PYQs है। सो मैंने कहा डायरेक्ट इसको रट लेता हूँ, बट आसान नहीं है, आसान नहीं है। बायोलॉजी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो रटने वाला चीज़ है, उसको मैं रट लूँगा, सेम क्वेश्चन आता है। अब मैंने फेस किया क्या, मैं तुमको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे भी एक चीज़ लिखा है, ये मेरा पूरा सिलेबस है क्या है क्या नहीं है, तुम लोग देख सकते हो। मैंने फेस किया क्या मैं तुमको बताता हूँ, देखो एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, पहले तो जनवरी से सबसे मेन चीज़ इंस्टाग्राम जो होता है उसको चलाना बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग पर इफेक्ट करता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स और रील्स जो होता है उसको बंद कर दो, क्योंकि वो तुम स्क्रॉल करते हो ना वो तुम्हारे दिमाग पर गंदा वाला इफेक्ट करता है, तो उसको एकदम मरा बंद कर दो। सिर्फ रात में एक घंटा देखो, हाँ सिर्फ रात में एक घंटा देखो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। एक दिन मतलब कि ऐसा नहीं करो, सुबह में तुम पढ़ाई करो साइंस, शाम में कर लो SST एंड रात में मैथ्स कर लो, ऐसे तुम पढ़ाई करके चलोगे सब चलेगा। और या तो दूसरा ऑप्शन है चैप्टर वाइज कंप्लीट करो, जैसे कि आज इस चैप्टर का मैं नोट्स पूरा याद करूँगा, फिर कल सुबह उसको रिवाइज करो एंड देन उस अगले दिन दूसरा चैप्टर का नोट्स खोलो। पर डे एक चैप्टर कुछ भी करके तुमको कंप्लीट करना है, किसी भी सब्जेक्ट का याद रख लो, एक दिन नोट्स लिखना है एक दिन उसको याद करना है, ऐसे करके चलोगे तो हो जाएगा। बाय द वे फिजिक्स केमिस्ट्री का तुमको समझना होगा यार, उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे को लग रहा है, क्योंकि कल मेरा है प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड है साइंस का, मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर जो मैं पढ़ चुका हूँ एंड ऐसे ही कुछ सीन है। ये 10th क्लास हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ, मैं बताऊँ मैं तुमको बता दिया मैं कैसा लड़का हूँ कैसा नहीं हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करता स्कूल में, नहीं मेरे को इतना दोस्त है, मैं अकेले में रहता हूँ, मैं रील्स बनाता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, कंटेंट शूट करता हूँ, क्रेजी काम करता हूँ, पागलों वाला काम करता हूँ, बिल्डिंग पर चढ़ जाता हूँ, जितना भी पागलों वाला काम है सब मैं करता हूँ। एक बात और, ये सबसे मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेशर मत लो यार कभी भी, पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है ना तो तुमको अलग अलग दिशा पे लेके चल जाएगा, सुसाइड करने का दिल करेगा, ये कभी मत लो, पढ़ाई को कभी भी प्रेशर के तौर या टेंशन मत लो, जब भी हो ना यार कुछ याद नहीं किया ऐसा करो, चिल मारो,
उस टाइम एकदम चिल मारो, और जब भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो जो काम तुम कर रहे हो उसको करते रहो। मान के चलो तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, व्लॉग भी बना रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ऐसा कर, सो एक दिन कभी कभी होते हैं ना एकदम मन खराब हो गया, तो जो काम तुम कर रहे हो बस उसको करते रहो, एंड जो एकदम डिस्टर्ब करो उसको थोड़ा साइड करो, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। बाय द वे जो तुमको मेन करना है उसको करते रहो, छोड़ो मत, जैसे कि वर्कआउट हो गया उसको छोड़ो मत, बस करते रहो, मन करे ना करे करते रहो। एंड मेरा कुछ नहीं दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं 11 बजे 12 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, जैसे कि हाँ एक बात और, भगवान गॉड तुम जो भी रिलीजन में उसको याद करो, उनको याद करो, क्योंकि बगैर अल्लाह भगवान इन सबको याद किए गए कुछ नहीं हो सकता। एंड माँ बाप की इज्जत करो। सो मैं भी कभी कभी माँ बाप पे चिल, पापा पे नहीं, हो पापा सब कुछ है, मम्मी भी सब कुछ है, बट मम्मी पे हो जाता है कभी कभी, मैं चिल्ला देता हूँ, ऐसा कुछ होता है। सो कोई नहीं, ये देख सकते हो मेरे रूम है जो कि पूरा मेसी है, मैं कुछ नहीं, मेरे कुछ दिमाग में और काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो एक तुम लोग व्लॉग बनाते हैं एंड इसको शो करते हैं, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड अगर तुम लोगों के मन में कोई भी ख्याली पकाओ है क्या है क्या नहीं है, सो तुम मेरे को कमेंट करके बताना, मैं सबका जवाब दूंगा एंड सबको लिटरली बड़े क्रेजी तरीके से जवाब दूंगा, एंड व्लॉग्स जाके देखा करो क्रेजी क्रेजी होते हैं। एंड मैं तुमको कुछ कुछ एक दो तीन चैनल बता देता हूँ जिससे कि तुमको मदद हो जाएगा। SSC तुमको पढ़ना है तो सनलाइट स्टडी एक आता है उससे पढ़ लो, पढ़ले टेंथीज नाम से आता है जिससे तुम साइंस मैथ्स पढ़ सकते हो, डियर सर से पढ़ सकते हो, एंड एक और पता नहीं बी किसी वाले सर हैं सो उनसे भी तुम पढ़ सकते हो, एंड नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत ज़्यादा बॉम्ब होने वाला है, क्योंकि अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुका हूँ एंड इंस्टाग्राम ये सबसे मैं बहुत दूर हूँ अभी। हाँ रील्स बनाता हूँ, संडे को मैं 7 रील बना लेता हूँ, एक एक दिन सब रील अपलोड हो जाता है, एंड मैं थोड़ा बहुत चलाता हूँ 1 मिनट, अगर बीच में कभी खुलने का दिल करे तो एक टाइम बनाओ 5 मिनट चलाएंगे या 10 मिनट, एंड 10 मिनट जैसे हुआ बस बंद करके फेंक दो फोन, ऐसे ही करो, एंड चलो पढ़ाई करते हैं, जो होगा ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं करूँगा, इतना नहीं कर सकता बाहर में जाओगे क्यों स्ट्रेस लेना, दिमाग एग्जाम के टाइम अपना दिमाग लगाऊंगा ना मैं तो मैं लिख दूंगा, बट अगर टेंशन में जाऊँगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं लिख पाऊंगा। सो एग्ज़ाम के टाइम पहले कुछ खा के बैठो, एग्ज़ाम से पहले याद रखो खा के बैठोगे तभी दिमाग काम करेगा, एंड अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन नहीं बनना छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ कि 1-2 मार्क्स भी आ जाएगा। सो इसी कुछ ब्लॉग तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ सीख मिला होगा, कुछ नहीं भी मिला होगा तो कुछ भी मिला होगा मेरे को इतना यकीन है। एंड बैक बेंचर्स हो याद रखना, एक बैक बेंचर्स टॉपर से ज़्यादा होता है, तुम बैंक वैंक में जाओगे ना तो तुमको हर जगह टॉपर मिलेगा, लेकिन लाइफ में जो जो बड़ा काम किया वो सब बैक बेंचर्स किया। देखो टॉपर लोग जो होते हैं वो लोग फेलर फेस नहीं किया तो उन लोग को बहुत डर लगता है, एक बार वो लोग फेल कर जाता है तो वो लोग अंदर से वो हो जाते हैं, बट बैक बेंचर्स हमेशा फेल करता है। भाई देखो मैं 9th क्लास में यूनिट 1 में फेल हुआ, यूनिट 2 में फेल हुआ, SA1 में फेल हुआ, यूनिट 3 और 4 में फेल हुआ, एंड फाइनल एग्जाम में भी लिटरली मैं फेल हो गया। मैं लास्ट में पेपर में लिखा था सर मेरे को प्लीज़ पास कर दीजिएगा सर, अब की बार मैं पेपर में पढ़ना स्टार्ट करूँगी, लिटरली मैंने लिखा था मैथ्स के पेपर में एंड एग्जैक्ट मेरे को पासिंग मार्क्स आया था। सो अब देखो अब मेरे को किससे ही डर लगेगा यार, तुम बताओ, तो जब मेरे को किससे डर लगेगा, तुम खुद सोचो, इतनी बार मैं फेल किया हूँ एंड फिर भी मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, मैं खुद से, मैंने कभी चीटिंग नहीं किया, 1-2 बार मैंने किया तो उस वक्त मैं रिग्रेट करता हूँ, लेकिन मैं कभी चीटिंग नहीं करता, मैं फेल कर जाता हूँ लेकिन मैं चीटिंग नहीं करता हूँ क्योंकि उससे मैं सीखता हूँ। सो ऐसे ही कुछ था, आई होप कि अगर तुम लोगों को कुछ गाली वाली बकना होगा तो बक देना, अगर मन में बहुत ज़्यादा भरास है तुम्हारे एग्जाम को लेकर टेंशन हो तो प्लीज़ कमेंट में जितना हो सके गाली भाली जितना भी चीज़ भरना है भर दो, अगर लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस कम हो रहा है तो मेरे को कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के मत भरना क्योंकि बुरा लगता है डूड। सो कोई नहीं, ऐसा लाल कलर के सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ एंड एंजॉय करो, एंजॉय करते करते पढ़ाई करो, डिसिप्लिन बनाओ अपने आपको एंड वर्कआउट करो, जिस चीज़ से तुमको पॉजिटिव वाइब आता है वो करते रहो। सो चलो मैं चलता हूँ, मेरे को पढ़ाई करना है, बाय द वे तुम लोग सब सक्सी रहो, वर्क हार्ड स्टे स्टंबल। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेक रिव्यूज बॉक्स के साथ, स्टे सक्सी, ओ बाय। एंड हाँ एक चीज़ और मैंने जो सीखा था, मैथ्स को रटना मत, मैथ्स को समझना, क्योंकि मैथ्स समझोगे तभी बना पाओगे, एंड NCERT से पढ़ना, RS अग्रवाल से, तो अगर तुम लोग मेरी तरह हो तब तो वो दिमाग के पार है। सो कोई नहीं, खुद पे विश्वास रखो, नेवर लूज योरसेल्फ, टीम डेटी ले ज्वाइन करो, राइट नाउ, बाय बाय।